जी असल आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेमेंट क्लेम को डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले हम डिफेक्ट क्लेम चेंज क्लेम और डिले क्लेम को डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जाएं आप और पहले वो वीडियोज़ देख लें फिर आपने यहाँ पर मूव करना है आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली पेमेंट क्लेम पे विद एग्ज़ैम्पल आपको समझाऊँगा कि वाट इज़ पेमेंट क्लेम और इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज अवर टॉपिक पेमेंट क्लेम सो लेट्स लुक अबाउट द डेफिनेशन फर्स्ट रिगार्डिंग The payment claim. Now payment claims refer to former requests or invoices made by contractor or supplier. कौन क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर For what? For पेमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड आर गुड सप्लाइड अगर तो आप कंट्रेक्टर की साइड से काम कर रहे हैं तो जो भी आपने एक्चुअल वर्क किया होगा उसके अगेंस्ट पेमेंट ठीक है और अगर आ, आप सप्लायर की साइड से काम कर रहे हैं तो जो मटेरियल आपने सप्लाई किया होगा ऑन साइट उसके अगेंस्ट पेमेंट दैट विल बी कॉल्ड एज द पेमेंट क्लेम तो याद रखिएगा कि पेमेंट तभी क्लेम होगी जब आप एक्चुअल वर्क करेंगे या तो आप मटेरियल सप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट या फिर आपने एक्चुअल वर्क किया होगा ऑन साइट लेट्स सपोज आपने फाउंडेशन वर्क कंप्लीट कर लिया है तो वो कंप्लीट जो फाउंडेशन वर्क है उसके लिए आप अमाउंट क्लेम कर रहे हैं या फिर आपने Uh, कोई मटेरियल सप्लाई किया है सीमेंट हो सकता है कंक्रीट हो सकती है ऑन साइट तो उसके अगेंस्ट जो आप पेमेंट क्लेम करेंगे सो दिस इज़ कॉल्ड एज द पेमेंट क्लेम ठीक है जो भी एक्चुअल वर्क होगा ये याद रखिएगा नेक्स्ट वीट मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा और फिर हम डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे इसके लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है न्यू ऑफिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसपे हमने कंट्रैक्टर को हायर कर रखा है सही है ना अब हुआ कुछ यू कि द कंट्रेक्टर कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सबमिट ऑफ सबमिटेड इनवाइस वो पेमेंट ऑफ वन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर इट कुड बी एनी अमाउंट टू क्लाइंट और कंसल्टेंट ठीक है ना तो कंट्रेक्टर uh, ने क्या किया कि कुछ जो स्पेसिफिक वर्क था उसको कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट करने के बाद उसने एक इन्वाइस फॉरवर्ड की टू क्लाइंट और कंसल्टेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट जो भी उसने एक्चुअल वर्क किया होगा उसके अगेंस्ट नाउ द इनवाइस स्पेसिफाइज वट अच्छा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि इस इन्वाइस में क्या क्या चीज़ स्पेसिफाई होगी वर्क परफॉर्म डेफिनेटली जो एक्चुअल वर्क आपने किया होगा वो वहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए और उसमें क्या क्या कास्ट इंक्लूड होगी कास्ट ऑफ मटेरियल कास्ट ऑफ़ लेबर ओवरहेड कंटीजेंसीज कंटिजेंसीज वगैरह यहाँ पर एडअप होंगी एंड द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो भी एग्रीड होंगी बिटवीन कॉन्ट्रेक्टर क्लाइंट एंड कंसल्टेंट ठीक है ना सो so, इस तरह की इन्वाइस वहाँ पर अडोप्ट की जाएगी नाउ वट विल हैपन वंस जो कंट्रैक्टर है वो इसको फॉरवर्ड करेगा टू द क्लाइंट और कंसल्टेंट नाउ क्लाइंट रिव्यू द इन्वाइस एंड डिटर्मन दैट द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड अप्रूव द पेमेंट अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट ऐसे ही नहीं अप्रूव करेगा वो उसको इंस्पेक्ट करेगा जाके साइड पर देखेगा एक आया वो वर्क कम्प्लीट हो गया है वो स्पेसिफिकेशन ठीक है क्वालिटी मेनटेन की भी है और उसके बाद ही जाके वो क्या करेगा उस पेमेंट को अप्रूव करेगा नाउ द क्लाइंट देन इशू ए पेमेंट ऑफ जो भी स्पेसिफिक अमाउंट होगी टू द कॉन्ट्रेक्टर इन अकॉर्डिंग्स विद द एग्रीड अपॉन पेमेंट टर्म्स जो भी आपने टर्म्स कंडीशन पे एग्री किया होगा उसके अगेंस्ट ठीक है ना तो ये बेसिकली है पेमेंट क्लेम होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि पेमेंट क्लेम है क्या पेमेंट क्लेम बेसिकली एक्चुअल वर्क जो होता है उसके अगेंस्ट पेमेंट क्लेम करना बाई द कॉन्ट्रैक्टर आर अगर सप्लायर है तो उसने जो भी मटेरियल साइड पे प्रोवाइड किया होगा उसके अगेंस्ट ठीक है ना तो नेक्स्ट वीट हम देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे फॉर द पेमेंट क्लेम अच्छा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले पेमेंट क्लेम फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आई लेट यू नो अबाउट दिस के पेमेंट क्लेम फॉर्म इन अगर आपके पास है देन दिस इज गुड और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी आपने वर्क किया होगा ऑन साइट उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं आपके पास वो भी एज ए एविडेंस आप एडअप कर सकते हैं और सब कंट्रैक्टर इन्वाइस मीनस कि सब कंट्रैक्टर डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट पे मेन कंट्रेक्टर है फिर सब कंट्रैक्टर जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है ठीक है तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्क करवाया फ्राम टू तो दब सब कंट्रैक्टर सब कंट्रैक्टर से तो उसकी जो इन्वाइस होंगी उससे वर्क अगेंस्ट तो वो भी एज ए एविडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट हम एक एक करके देख लेते हैं कि पेमेंट क्लेम फॉर्म क्या है दिस इज फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द डिटेल ऑफ द क्लेम इंक्लूडिंग द क्लेम अमाउंट पेमेंट माइल जो भी माइल बेसिकली किसी स्पेसिफिक अचीवमेंट को बोलते हैं ठीक है ना तो क्लेम अमाउंट जो होगी पेमेंट माइल मतलब कि ये किस मतलब स्पेसिफिक वर्क की पेमेंट है एंड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन अटैट ठीक है कोई भी स्पोर्टिंग वो इन्वाइस भी हो सकती है अच्छा इनवाइस uh, बेसिकली है जिसमें आपने डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है बिलिंग पीरियड पेमेंट ड्यू डेट होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क परफॉर्मड होना चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए क्वांटिटीज यूनिट प्राइस अकॉर्डिंग टू बी ओ क्यू एंड देन टोटल अमाउंट जो आप क्लेम कर रहे हैं वो वहाँ पर अडॉप्ट होनी चाहिए इन इन नेक्स्ट टू इट वी है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो भी वर्क की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी वो भी आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं और सब कंट्रैक्टर अगर आपके प्रोजेक्ट पे सब सब कंट्रेक्टर आपने हायर कर रखा है तो उसकी जो इन्वाइस वगैरह हैं वो भी एज ए एविडेंस वहाँ पे आप एडअप कर सकते हैं वो सब कंट्रैक्टर की इन्वाइस भी हो सकती हैं ठीक है तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इन पेमेंट क्लेम और एक जो डॉक्यूमेंट्स है एक्सेल की वर्क बुक वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ठीक है जिससे आपको मज़ीद वाजे हो जाएगा कि पेमेंट क्लेम में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं ठीक है नाओ ये है बेसिकली पेमेंट क्लेम एक्सेल वर्कबुक अच्छा इसमें सबसे टॉप पे आप देखें तो क्लेम नंबर आपने यहाँ पर एडअप करना है उसके बाद जो डेट है क्लेम जिस दिन आप कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कॉन्ट्रेक्टर का नेम हो सकता है क्लाइंट का नेम हो सकता है प्रोजेक्ट का नेम आपने इंडिकेट करना है यहाँ पर और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर एडअप करनी है जो भी वर्क आपने परफॉर्म किया होगा ठीक है ना जिस तरह यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन एडअप कर रखी है जिस तरह एक्सकवेशन हमने किया फॉर फाउंडेशन हमने कंक्रीट किया फॉर फाउंडेशन मसनरी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल ये काम हमने किए जो कि एक्चुअल ऑन साइट हमने कर दिए इनके अमाउंट हम क्लेम कर रहे हैं उसके बाद बी की क्वान्टिटी क्या है मीन्स यहाँ पे एडअप्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू बी ओ क्यू एक्सक्रवेशन की क्वांटिटी कितनी थी वहाँ ने यहाँ पर एडप्ट करनी है कंक्रीट की कितनी थी मशीनरी की प्लम्बिंग के फिक्सचर इलेक्ट्रिकल फिक्सचर कितने थे वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर एडप्ट करनी है ठीक है अच्छा उसके बाद बी ओ क्यू क्वान्टिटी के बाद एक्चुअल क्वान्टिटी भी हो सकती है मीन्स डिफरेंस हो सकता है अगर डिफरेंस है तो आप यहाँ पर एडप्ट करेंगे जिस तरह अगर एक्सकवेशन ऑन बी ओ क्यू इज़ वन थाउजेंड अगर एक्चुअली आपने इलेवन uh, हंड्रेड की है तो आपने यहाँ पे पुट करनी है वो एक्चुअल वो ठीक है उसके बाद एक कंक्रीट वैक्टो सो ऑन आपने एक्चुअल जो भी क्वांटिटीज़ होंगी आपने यहाँ पर एडअप करनी है उनकी यूनिट्स को यहाँ पर एडअप करना है फिर आपने यूनिट रेट अकॉर्डिंग टू बी ओ क्यू यहाँ पर एडअप कर लेना है टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू बी ओ क्यू मीन बी ओ क्यू क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बी यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट टोटल एक्चुअल अमाउंट मीन एक्चुअल एक्चुअल क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई यूनिट रेट ठीक है तो ये यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी ये है बेसिकली अमाउंट जो आप क्लेम कर रहे हैं सही है ना ये बी ओ क्यू अमाउंट होगी और ये अमाउंट है जो आप क्लेम कर रहे होंगे तो ये बेसिकली पेमेंट क्लेम एक्सेल वर्कबुक ठीक है सो so, यही एक डॉक्यूमेंट था जो यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया इसके साथ इन्वाइस भी हो सकती हैं डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं ठीक है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अटैच कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें मैंने आप पहले से एक्सप्लेन कर रखी है तो होपफुली आपको चीज़ों की समझ आई होगी कि बेसिकली पेमेंट क्लेम क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है और इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल स्टार्ट काजेज़ ऑफ़ कंस्ट्रक्शन क्लेम हम डिफरेंट जो काजेस हैं ना कंस्ट्रक्शन क्लेम्स की उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और अगेन रिक्वेस्ट यहाँ ये है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेने ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टिल टिलन अल्लाह हाफिज